कलकत्ता बड़ा बाजार के फेमस 47 इयर्स ओल्ड कन्हैया के क्लब कचौरी के साथ वायरल छंगानी भुजिया वंडर की क्लब कचौरी आज टेस्ट करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सा है बेस्ट। मैं पहली दफा उल्टा साइड में कन्हैया कचौरी खाने के लिए जा रहा हूँ। आप वो खाए होगा, टेस्ट किए? नहीं किए। मैं भी नहीं किया। आज का वीडियो जो है मैं पप्पी महाराज से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन स्टार्ट करेंगे खाना जो स्टार्ट करेंगे वो कन्हैया कचौरी से। तो सुबह सुबह जो है हम चले आए कन्हैया कचौरी के पास और यहाँ का भीड़ देखिए सर, खचाखच भीड़। और वहाँ पर जो कचौरी है क्लब कचौरी वो बन रहे हैं। चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं और हो सके तो आपको अंदर भी लेकर चलेंगे। कोई बहुत ही जबरदस्त घी का सुगंध आ रहा है तो मैंने पूछा कि कहाँ से आ रहा है, तो जनाब यहाँ से आ रहा है। सब्जी है भैया, है ना? तो देखिए भाई साहब, सब्जी जो है आलू का है, सिर्फ आलू का सब्जी है ना? अच्छा, क्या है कि कोई भी कचौड़ी जो है वो दो दफा उसको तला जाता है। आप लोग पार्सल भी करते हो? हाँ। एक प्लेट लगवाइए लेकिन उसमें दो कचौड़ी दीजिए बस, और एक जलेबी आपको ट्राई करेंगे। सब्जी थोड़ा सा दीजिए बस। एक जलेबी दो। ओके सर, चलिए। तो बात है कुछ ऐसा, हम आ गए बहुत ही खास और पुराने कन्हैया कचौड़ी के पास। आपको तो मैंने दिखाया कि कैसे कैसे ये बन रहा है, आपके आंखों के सामने ये बनता है। और सब्जी हमने आपको दिखा दिए कहाँ पर रखा हुआ था, जलेबी कैसे बन रहा था, और इतना बढ़िया सुगंध था घी का कि मैं अंदर चला गया। मैं पूछ रहा था कि भाई ये घी का सुगंध जो है वो कहाँ से आ रहा है। दिन मैंने अंदर गया, अपने आँखों से रूबरू किया यहाँ का पूरा डिटेल, मेकिंग से लेकर एवरीथिंग। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है ये, हाँ सर, मज़ा आ गया सब आपको तो देखते हैं एकदम। ये टाटा पहले देखते हैं कितना खस्ता है, बहुत ही अच्छा से खस्ता है और ये बहुत काफ़ी मोटा है सर, ये काफ़ी मोटा है। चलिए इसको ऐसे ही पहले ट्राई करते हैं। वाह भैया क्या बात है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त एक कचौरी का स्वाद है। और सब्जी जो है उसको एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो, पास आओ थोड़ा, आलू का एकदम प्लेन सब्जी। चलो इसमें धनिया वगैरह डाल के बहुत ही अच्छे से पकाए। फर्स्ट क्लास, सुबह सुबह मेरा दिन जो है शुरुआत हुआ है बहुत ही बढ़िया कन्हैया कचौरी के साथ। इसके बाद जाएंगे छंगानी जी के पास, पुराने वाले लाली छंगानी जी के पास, टेस्ट करेंगे उनका कचौरी। मुझे याद है लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। थोड़ा जलेबी ट्राई करते हैं। चटनी बहुत ही हल्का पतला सा है, शुगर भी बहुत कम है, मिठास जो है कचौड़ी तो भैया एक नंबर। इससे आगे शायद ही छंगानी जी टिक पाए। आपको दो प्लेट लगाना है, एक एक जलेबी, दो प्लेट का सी। सर मुझे बस दो 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 थैंक यू सर। तो वेलकम टू
लाली चंगानी जी के पास। देखिए यहाँ पर आप जब भी आओगे ना सर, ये भीड़ आपको नज़र में आएगा, इतना ज़्यादा भीड़ है ना सर, वो पुरानी याद ताज़ा हो जाता है इधर आने के बाद। तो ले लिए हम कचौरी, ये भी 10 रुपये पीस है, लेकिन इसमें क्या है ना, भुजिया डाला जाता है, और ये कचौरी जो है वो एक अपना अलग ही टेस्ट है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो दोस्तों चलिए कचौरी जो है वो हम आपको दिखाते हैं, गर्मा गर्म कचौरी। लेकिन पहला बात, उतना मोटा नहीं है जितना कन्हैया जी का कचौरी जो है मोटा, बहुत ही ज़्यादा मोटा था, और क्रंची भी थोड़ा कम है। यार बहुत दिनों बाद यहाँ पर खाने के लिए आए हैं, और यहाँ का जो मेन फंडा है ना, मेरे हिसाब से मेन जो टेस्टी चीज़ है वो है भुजिया। चलो पास आओ थोड़ा, ये आलू भुजिया एक साथ एक बाइट लेते हैं। एक मैंने भुजिया के साथ बाइट लिया अभी, बिना भुजिया का आलू के साथ में एक बाइट लूँगा। सर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये जो जगह है चंगानी भुजिया भंडार, बहुत ही वायरल एक जगह है। फेमस है या नहीं ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको खा के मज़ा नहीं आता है वो भी बोलते हैं। लेकिन भाई नो डाउट वायरल प्लेस है, ज़बरदस्त यहाँ पर लोग जना के खाना खाते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 11 तक ऐसे ही इधर खाना जो है सर्व किया जाता है, यू नो हज़ारों कचौरी जो है बिकता है। लेकिन फिर से फेल, कन्हैया कचौरी जो है इनसे बहुत आगे है, बहुत ही टेस्टी है। हाँ उसमें ये भुजिया नहीं, आलू भुजिया नहीं आपको मिलने वाला है, लेकिन भाई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मस्त और स्वादिष्ट कन्हैया कचौरी है। मुझे तो लगता है ना, मतलब ये जो देखिए वहाँ पर खाना खाए उतना तकलीफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर खाना खाए ना थोड़ा जल रहा है, मतलब मिर्चा जो है इसमें पाउडर ज़्यादा डाला गया। अच्छा है, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट शॉप है, लेकिन चुक जा रहा है बार बार। तो दोस्तों खाना तो हो गया कंप्लीट, एक तरफ कन्हैया कचौरी, एक तरफ लाली छंगानी जी का क्लब कचौरी। प्राइस जो है सेम है, लेकिन लाली जी के पास आप जाओगे तो आपको भुजिया मिलने वाला है, और कन्हैया कचौरी में भुजिया नहीं मिलने वाला है। लाली जी को आप खाओगे तो थोड़ा हैवीपन महसूस होगा, और क्या है ना वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यू नो गंदा फील आने वाला है आपको। सुबह सुबह मुझे ये हजम नहीं हुआ। कन्हैया जी के पास आप जाओगे बहुत ही बढ़िया एकदम बेहतरीन क्वालिटी का कचौरी आपको मिलने वाला है, बहुत ही स्वादिष्ट, जिसमें नमक अंदर का स्टाफ और हींग का जो फ्लेवर ज़बरदस्त था। और इनके पास थोड़ा सा फीका पतला एकदम जनरल जैसे वो रोड साइड कचौरी मिलते हैं एकदम वही है, तो उस हिसाब से तो मैं आपको पप्पी महाराज को आगे रखूँगा, देन पप्पी महाराज से भी मैं आगे रखूँगा कन्हैया कचौरी को। पहले दफ़ा मैंने कन्हैया कचौरी मैंने ट्राई करा, बहुत अच्छा लगा। प्राइस के वाइज देखो वो सेम ही है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत ही बढ़िया। आलू का जो सब्ज़ी है ना एकदम प्लेन है, उसमें धनिया का बहुत ही अच्छा फ्लेवर, कचौरी काफ़ी मोटा है, अंदर का स्टाफ बहुत अच्छा है, गर्मा गर्म आपके सामने तैयार करके खिलाएगा। मैं तो आगे रखूँगा कन्हैया कचौरी को, मतलब आप मान लो बड़ा बाजार का शायद सबसे टेस्टी 40 रुपये की रेंज में कचौरी जो है क्लब कचौरी है वो कन्हैया कचौरी का है। चलिए वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। यदि आप अभी तक देखे हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करो, पेज को ज़रूर फॉलो करो। बस चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद।